प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सबको जय मसीह की। सुंदर अवसर प्रभु ने दिया, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की महान नाम की स्तुति और महिमा हो। आज हम परमेश्वर के वचन से अन्ना नामक श्री के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। यह भाग न्यू टेस्टमेंट नया नियम में पाया जाता है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2:36-38 पद, लूक चैप्टर 2:36-38। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक विनेल की बेटी एक भविष्यवक्तनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। इस पैसेज में हम अन्ना के बारे में स्टडी करेंगे। अन्ना का मतलब है कृपा, दया। द मीनिंग ऑफ अन्ना इज ग्रेस एंड मर्सी। और वह एक उद्धार पाई हुई स्त्री थी। पहला हम अन्ना के गोत्र के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति 35:26 में उसके गोत्र के बारे में हम देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 35:26। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। आशेर का मतलब होता है गवाही, आनंद। आशेर का मतलब होता है गवाही, आनंद। और आशेर कौन है? हम जानते हैं याकूब के 12 पुत्र थे और उनमें से आशेर 9वां पुत्र था। और ये बहुत ही आशीषित किया हुआ गोत्र था। और हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर इज़राइल को बहुत आशीषित किया हर क्षेत्र में, भौतिक रीति से और आत्मिक रीति से इतना आशीषित किए हैं। और वो हमेशा परमेश्वर को बड़ाई करते थे। और उस गोत्र में से अन्ना का जन्म हुआ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अन्ना के गोत्र के बारे में हम देखा है और वह किसकी बेटी है हम पढ़ते हैं। वर्स 36 में अन्ना नामक फिनियल की बेटी है। फिनियल के बारे में हम एक ही बार पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं लिखा वचन में। फिनियल का मीन्स परमेश्वर का उपस्थिति। फिनियल का मीन्स परमेश्वर को उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड। लूका परमेश्वर का आत्मा पाके सिर्फ 3 पद मेंशन किया है बाइबल में लूका अन्ना के बारे में। और अन्ना के विषय में वो सोचा उसके बारे में बाइबल में रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में गवाही बनाया गया। ये बहुत छोटा पैसेज है बाइबल में, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। बाइबल में कई कैरेक्टर हम देखते हैं। महिला और पुरुष के कैरेक्टर्स रिकॉर्ड किया गया है पुराने और नया नियम में। उनमें से कई सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स भी हम देखते हैं। परमेश्वर अपने महान बुद्धि और विवेक में होकर हमारे स्पिरिचुअल एडिफिकेशन के लिए सब बातें हमारे लिए वचन के रूप में दिया। आशेर के गोत्र में से कोई भी राजा और ना न्यायाधीश थे, सिर्फ अन्ना का नाम था इस गोत्र में से हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर अपने महिमा के लिए
लोगों को सेलेक्ट किया और अनॉइंट किया ताकि हम विश्वासियों को प्रभु के प्रति और घनिष्ठ संबंध हो। और कई सारे कैरेक्टर्स हम जब पढ़ते हैं उनके लाइफस्टाइल जो प्रभु ने उनको दिया उसमें से हम कितने आशीषित जीवन पाते हैं। और कई सारे लोगों के बारे में, प्रभु के दासों के बारे में जो भी बाइबल में मेंशन है उनका नाम, उनके बारे में जब देखते हैं और पढ़ते हैं लोग बहुत उनके बारे में चर्चा करते हैं और आत्मिक जीवन में बहुत फ़ायदा मिलता है। आज हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। इसी 2 साल के बीच मसीह प्रार्थना भवन कई जगह बंद हो गया, विश्वासी लोग आपस में मिल नहीं सकते। पहले आसानी से लोग मिलते थे और इतना फ्रीडम के साथ हम परमेश्वर के भवन में जाया करते थे और परमेश्वर के महिमा करते थे। हर क्षेत्र में हम परमेश्वर के हर एक बातों को सीखते थे, लेकिन विश्वासी लोग आपस में अभी नहीं मिल सकते। लेकिन वचन, गीत, गवाही, प्रार्थना कोई भी बंद नहीं कर सकते हैं। ये तो परमेश्वर की दया से और फैलते जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ प्रकट है। मत्ती 24:35 में हम पढ़ते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगे। सही में प्रियो, परमेश्वर का वचन से सामर्थ हमें मिलता है और सामर्थ में हम और बढ़ते रहें और हमारे ऐसे बातों के द्वारा जो भी बाइबल में हमारे लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है, हर एक कैरेक्टर के द्वारा हम कुछ ना कुछ बातों को सीखे, हमारे जीवन में स्पिरिचुअल एडिफिकेशन कर सके। और परमेश्वर ऐसे करने में हम सबके सहायता करे। आने वाले समय में अन्ना के बारे में और भी चर्चा करेंगे और उसके हर एक बात वचन इसमें बाइबल में लिखा गया है, उसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।